दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे पोयम लीजर। ये आपके महाराष्ट्र बोर्ड के इंग्लिश के क्लास 8 के सिलेबस में है, तो इसे हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपके सिलेबस को कंप्लीट कर रहा हूँ क्या, कंप्लीट हो ही चुका है। यदि आपने उन सभी चैप्टर के वीडियोज़ को नहीं देखा तो ऊपर एक आई बटन होगा, आप सिंपली उसमें क्लिक करें, आपको सभी चैप्टर के वीडियोज़ मिल जाएंगे। और हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड सब्सक्राइब आवर चैनल डिजिटल कक्षा। इफ़ यू सब्सक्राइब इट देन यू विल गेट ऑल द अपकमिंग वीडियोज़ ऑफ योर सिलेबस एट दी परफेक्ट टाइम। तो चलिए अब इस पोएम को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको लीजर का मतलब बता दूं। लीजर मतलब होता है दोस्तों फ्री टाइम, यानी कि मुफ्त का वक्त। मुफ्त का वक्त या आप कह सकते हो कि जब हमारे पास कोई भी काम नहीं होता, तो इसी के ऊपर ये पोएम बेस्ड है। तो चलिए लाइन बाय लाइन एनालाइज करते हैं। व्हाट इज़ दिस लाइफ इफ फुल ऑफ केयर, ये है पहली लाइन। और यहाँ पर हमें बताया गया है कि ये जो ज़िंदगी है ना, ये कैसी ज़िंदगी है कि हम अपने ज़िंदगी को अपने तरीके से नहीं जी सकते। फुल ऑफ केयर मतलब दोस्तों कि हम अपने लाइफ को अपने तरीके से नहीं जी सकते। जी हाँ, हमें वैसा जीना होता है जैसा दूसरा चाहते हैं। वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, हमारे पास वक्त ही नहीं है कि हम खड़े होए और खड़े होकर हम देखें। नो टाइम टू स्टैंड बीनीथ द बाव, वो दोस्तों आप कह सकते हो, यहाँ पर पिक्चर बना है, आप देख ही सकते हो। तो वो मतलब इन्हीं सभी चीज़ों को बो कहते हैं, टहनी आप कह सकते हो। तो हमारे पास वक्त ही नहीं है कि हम पेड़ के नीचे या बो के नीचे खड़े होकर देखें। एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज शीप और काउस, और हम देखें, कैसे देखें, बिल्कुल भेड़िया और गाय के तरह, जैसे उनके पास बहुत सारा वक्त है और वो खुशी से देखते रहते हैं, वो बहुत ही लंबे समय तक देखते रहते हैं। तो हमारे पास इतना वक्त नहीं है। नो टाइम टू सी वेन वुड्स वी पास, वुड्स मतलब होता है छोटा सा जंगल। तो हमारे पास ज़रा सा भी वक्त नहीं है कि जब हम छोटे से जंगल के पास से गुजरते हैं, वेयर स्क्वायरल्स हाइड देयर नट्स इन ग्रास, उस वक्त यानी कि जब हम छोटे से जंगल के पास से गुजरते हैं ना, उस वक्त या वहाँ पर जो छोटे छोटे स्क्वायरल्स होती है ना, वो अपने नट्स को यानी कि बादाम को या अखरोट को वो छुपाती है कहाँ, घास के नीचे। जी हाँ, जो गिलहरिया होती है वो घास के नीचे अपने खाने को छुपाती है, या आप कह सकते हो कि घास के नीचे छुपकर खाती है। तो वो सब देखने का हमारे पास वक्त नहीं है जब हम जंगल के पास से गुजरते हैं। नो टाइम टू सी इन ब्रॉड डे लाइट, और जब दिन का समय होता है उस वक्त भी हमारे पास वक्त नहीं है। स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार्स लाइक स्काई एट नाइट, तो यहाँ कहा गया है कि दिन में जब सूरज चमकता है ना, तो उसकी जो रोशनी है वो स्ट्रीम में यानी कि नदी में पड़ती है, और उस वक्त वो जो नदी है ना, वो बिल्कुल वैसा ही चमकता है जैसे रात में आसमान सितारों से चमकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को देखने का हमारे पास वक्त नहीं है। नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज ग्लैंस एंड वॉच हर फीट हाउ दे कैन डांस, तो यहाँ पर जो नेचर है ना दोस्तों, यानी कि जो नेचर की खूबसूरती है, उसे यहाँ पर कंपेयर किया गया है एक लड़की के पाँव से। आप कह सकते हो कि ये जो नेचर है यानी कि ये जो ब्यूटी है नेचर की, इसे यहाँ पर एक गर्ल के तरीके से बताया गया है। यानी कि जब एक गर्ल डांस करती है ना, तो हम उसके पाँव को देखते हैं ना, मींस वो जब मूव करती है, डांस करती है, तो हम उसके लेग्स को देखते हैं यानी कि बॉडी मूवमेंट को देखते हैं ना। तो यहाँ कहा गया है कि वैसे ही जो नेचर है वो एक तरीके की गर्ल है, और हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हम उसके फीट को यानी कि उसके पाँव को मूव करता हुआ देखें। सिंपली बताऊँ तो यहाँ कहा गया है कि हमारे पास उतना वक्त नहीं है कि हम नेचर की खूबसूरती को देख सके। नो टाइम टू वेट टिल हर माउथ कैन इन रीच डैट स्माइल हर आइज बिगैन, नो टाइम टू वेट टिल हर माउथ कैन इन रीच डैट स्माइल हर आइज बिगैन। तो यहाँ पर कहा गया है कि हमारे पास वक्त नहीं है किस चीज़ के लिए। अच्छा, यहाँ पर रुककर पहले मैं आपको बता दूँ एग्जैक्ट क्या कहा गया है। तो यहाँ बताया गया है कि जब लड़कियाँ मुस्कुराती है, यानी कि कोई गर्ल जब मुस्कुराती है, या कह सकते हो कि ह्यूमन बींग जब कोई मुस्कुराता है, तो वो जो खुशी है ना, यानी कि वो जो मुस्कुराहट है ना, वो उसके पहले आँख में आती है, फिर उसके बाद उसके होठों पर आती है। तो यहाँ नेचर को यहाँ पर उसी से कंपेयर कर कर बताया गया है कि नेचर की भी जो खूबसूरती है, पहले आँख में आती है, फिर उसके होठों पर आती है। अच्छा, इसे और अच्छे से समझाऊँ तो दोस्तों, जो नेचर की खूबसूरती है ना, वो पहले पेड़ पौधे पर आती है, यानी कि जितने भी फ्लावर्स फ्रूट्स है, वो सभी जब बड़े होते हैं तभी ना हम देखते हैं। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि नेचर की जो खूबसूरती है, पहले आँख में आती है, फिर उसके माउथ में आती है। तो इन सभी चीज़ों को देखने का हमारे पास वक्त नहीं है। अ पुअर लाइफ दिस इज़ फुल ऑफ केयर, वही पहला वाला जो स्टैंजा था, वही बताया गया है कि हमारा जो लाइफ है उसमें हम बहुत ही बिजी है,
हमारे पास वातावरण को ऑब्जर्व करने का या देखने का वक्त नहीं है, हम अपने ही कामों में पड़े हुए हैं, इसीलिए हमारे लाइफ को पुअर बताया गया है। वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, हमारे पास वक्त नहीं है कि हम खड़े होकर देख सके अपने सराउंडिंग्स को। तो दोस्तों यहीं पर ये पोएम एंड होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आ गया होगा। यार सब्सक्राइब ज़रूर करो, बहुत ही वक्त लगता है वीडियो बनाने में और बहुत ही मेहनत लगती है, और मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ अभी 12:20 में, 12:20 AM, नॉट PM ब्रो। सो विल मीट यू नेक्स्ट विथ नेक्स्ट वीडियो सून।